गाइस, आज हम अपने वीडियो में सीखेंगे नारियल पाक बनाना, और बहुत आसान विधि से। तो देखिए कितना प्यारा और कितना यम्मी है। इसमें बताएंगे हम कि ये कैसे बनी है। कृष्ण भगवान जी को इस जन्माष्टमी भोग लगाए नारियल पाक का। तो चलिए बनाते हैं नारियल पाक। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन की। बनाने जा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर भोग चढ़ाया जाने वाला कृष्ण जी का पसंदीदा भोग नारियल पाक। तो ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनमें हमने बादाम पांच से छह बादाम ले ली हैं, और 5 से 6 काजू, और ये 10 से 12 इलायची के दाने, किशमिश, और ये नारियल। नारियल हमारा 100 ग्राम है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर वो बूरा नारियल होता है वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमको नारियल पाक में ये अच्छा लगता है क्योंकि जिसमें ब्लैक ब्लैक सा नारियल की स्किन आती है वो ज्यादा अच्छी लगती है। तो आप दो और इसमें इंग्रेडिएंट रहेगा 2 कटोरी चीनी। तो चलिए बनाते हैं नारियल पाक। ये देखिए इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 2 बूंद हमने घी ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसमें अपने ड्राई फ्रूट भून लेंगे। तो ये हमने डाला काजू और बादाम जिनको हम रोस्ट करेंगे हल्का हल्का सा। ये देखिएगा रोस्ट हो चुके हैं, उनको हम निकाल लेंगे, फ्लेम को अपनी धीमी कर देंगे। धीमी फ्लेम पर ही हमको बनाना है ये सब। देखिए उसी घी में हम ये किशमिश अपनी ऐड करेंगे, ठीक है। गाइस वैसे तो इनको मतलब घी डालकर भूनने की कोई जरूरत नहीं है, बट हमने ये सारी इंग्रेडिएंट भोग के लिए बनाने हैं। तो इनको हमने हल्का सा धुल लिया था, वॉश कर लिया था, इस वजह से हमने घी ऐड किया हुआ है। आप चाहें तो आप बिना घी के भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं, बस फ्लेम को हल्का धीमा रखें और ड्राई रोस्ट कर लें। गाइस रोस्ट करने से थोड़ा सा शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इसीलिए, और इस नारियल पाक को इस विधि से बनाने से ये लगभग लगभग 1 महीने से ज्यादा चलेगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। इसीलिए ये सारे रोस्ट हम करते हैं, ठीक है। इंग्रीडियंट तो ये भी रोस्ट हो गया, अब इसी में अपने हम नारियल रोस्ट करेंगे। ये देखिए गाइस 1/2 स्पून हमने डाला हुआ था घी, तो उसमें भी अभी बचा हुआ है, तो इसी में हम अपना नारियल जो है उसको भून लेंगे। ये इलायची अभी साइड में रख देंगे। तो ये देखिए ये 2 कप नारियल है हमारा, या 2 कटोरी कह लीजिए आप, ये 2 कटोरी हमारा नारियल है जो इसमें डाल लेंगे। देखिए आप घर की एक कटोरी आप सेट कर लीजिए, उसके हिसाब से अपना इंग्रेडिएंट बनाइए। तो ये देखिए इसको हल्का हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे और बिल्कुल धीमी फ्लेम पर, जिससे कि ये जले नहीं, ठीक है। ये देखिए धीमी फ्लेम पर लगभग 1 मिनट हो चुका है, तो ये भी हमारा भून चुका है, हमें कोई इसमें कलर नहीं चेंज करना है। तो ये रही हमारी इलायची, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे ताकि ये भी हल्की सी इसी में रोस्ट हो जाए। देखिए हमने फ्लेम बंद कर दिया और उसको अब हम उसी थाली में अपना निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस 1 कटोरी चीनी ली है हमने। ये देखिए गाइस या 1/2 कटोरी और, यानी हमने 1.5 कटोरी चीनी ली है। आप 2 कटोरी कर सकते हैं, थोड़ा सा मीठा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, बस 1 कटोरी, क्योंकि इसकी हमें चाशनी बनानी है, ठीक है। ये देखिए फ्लेम ऑन कर दिया और ये आप देख रहे होंगे ये हमारी चीनी में कोई गंदगी नहीं है। ये हमारी वही, क्योंकि हमने वही कढ़ाई ली है जिसमें हमने नारियल और सारे ड्राई फ्रूट भूने थे, ठीक है। तो ये वही कढ़ाई है, इसी वजह से आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखिए गाइस हमारी चाशनी में बॉयल भी आ गया है, और देखिए हमारी चाशनी लगभग चीनी मेल्ट हो चुकी है। हमारी चाशनी जो बन रही है वो बिल्कुल साफ है, सफेद है। अगर आपकी चाशनी सफेद नहीं होती है, साफ नहीं होती है, गंदी होती है, कुछ इम्पोरिटी होती है, तो आप उसमें 2 स्पून दूध डाल करके डाल दीजिए, दूध चाशनी में 2 स्पून दूध, और उसके बाद में जो ऊपर जो गंदगी आ जाती है, जो मैल आ जाता है, उसको हटा दीजिए, तो चाशनी आपकी साफ सफेद निकल आएगी। बट हम दूध नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी चीनी एकदम साफ है। क्योंकि गाइस हमारी जब तक चाशनी बन रही है तब तक पहले नंबर पर एक काम और कर लें। ये देखिए हमने अपने एक थाली ले ली है जिसमें हमें ग्रीस करना है, तो उसमें हमने 1 स्पून घी डाल लिया है और उसको हम फैला लेंगे अच्छे से, ठीक है। जितनी थाली में आपको फैलाना है, जितना बेस हो उसी में हम अच्छे से घी को लगा लेंगे, लगा के रख लेते हैं। ये देखिए गाइस हमारी पूरा एक दाग बन के आना चाहिए। ये देखिए ये दिख रहा आपको दाग,
इसी तरह से तार हमारा बन के आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें नारियल ऐड करेंगे। देखिए गाइस, फ्लेम को कर देंगे धीमा और अपने सारे ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे। बाद में हम इसको, ये देखिए, इस तरह से मिक्स कर देंगे। ये देख सकते हैं गाइस, मिक्स हो गया है सारा कुछ। और अब इसको हम अपना जमा देंगे। ठीक है, तो अपनी थाली जो हमने ग्रीस करके ली है फटाफट उसमें करते हैं। ये देखिए, अब अपनी सारा हम इसमें पलट कर इसको जमाएंगे। ये प्रोसेस बहुत जल्दी करना होता है, ठीक है, नहीं तो हमारा नारियल पाक अच्छा नहीं बनेगा। और ओवर कुक कर देंगे आप तो ये अजीब सा सूखा सूखा सा हो जाएगा, भूरा टाइप का। तो इसको अब हम अच्छे से ऐसे करके जमाते हैं। देखिए गाइस, पूरी तरह से ठंडा हो उससे पहले ही हम इसमें कट के निशान लगा देंगे, वरना बाद में काटने में समस्या हो जाएगी। इस तरह से, ये देखिए, चलिए इसको सेट होने देते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आगे। देखिए गाइस, हमारा ठंडा हो चुका है नारियल पाक, तो दिखाते हैं आपको, साइड से निकाल के दिखाते हैं आपको। ये देखिए कितना अच्छे से बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कोई शेप नहीं डिसाइड हो पाया था इसलिए ऐसा हुआ है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा नारियल पाक बिल्कुल बनके तैयार है भोग के लिए कृष्ण भगवान के। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।